नमस्कार दोस्तों, तो आपके सामने एक बॉक्स दिख रहा होगा। ये कार्टून है, बहुत बड़े साइज का है, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे। और इसमें मैंने मंगाया है कैबिनेट अमेजोन से, जो कि चिप्टोनिक्स का है और बहुत ही अच्छा कैबिनेट है। तो इसको आज अनबॉक्सिंग करते हैं और मैं बताता हूँ कि ये किस तरीके का बॉक्स है। तो सबसे पहले हम इसको काट लेते हैं, तो यहाँ से मैं काट लेता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों ये डबल बॉक्स में आया है, क्योंकि क्या है कि इसमें सुरक्षा की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है टूटने फूटने की। इस वजह से ये डबल पैकिंग में आता है। जैसा कि आप जानते हैं कैबिनेट में टेम्पर ग्लास वगैरह लगा रहता है, तो इसमें से हम निकाल लेते हैं। और निकालने के बाद यहाँ पर हमें एक बिल मिलता है, तो मैं बिल आपको बता देता हूँ। यहाँ पर एक बिल है जो कि अमेजोन की तरफ से आया है, तो इसको साइड में रख देते हैं हम, और बॉक्स को भी रख देते हैं साइड में। और यहाँ पर हम बॉक्स देखते हैं, कुछ इस तरीके का है और बहुत ही कम रेट में है दोस्तों। 2400 रुपए के आसपास मिल जाता है। ये रेट कम ज़्यादा होती रहती है। अगर आपको परचेस करना है तो अमेजोन की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप परचेस कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे मिड टावर के चिप्टोनिक्स और टेम्पर ग्लास हैंडल विथ केयर, ये सब कुछ लिखा हुआ है दोस्तों। तो यहाँ पर और भी जानकारी यहाँ पर दी गई है, तो आप देख सकते हैं। तो इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद फिर देखते हैं कि किस तरीके का बॉक्स है। तो दोस्तों ओपन करने के लिए आपको सबसे पहले काट लेना है। काटने के बाद इसको उल्टा कर देना है, सीधे से बस उल्टा कर देंगे तो ये सीधा निकल आएगा बाहर। आपको कुछ भी कुछ एक्स्ट्रा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। उल्टा करने के बाद ये तुरंत निकल जाता है। वैसे आप निकालोगे तो बहुत परेशानी आ सकती है, ये टूट सकते हैं, थर्माकोल वगैरह और भी कुछ कैबिनेट भी टूट सकता है। तो यहाँ से हम थर्माकोल को अलग कर देते हैं। तो सीपीयू दोस्तों आपके सामने देखो कितना शानदार सीपीयू दिख रहा है, कैबिनेट। और ये कैबिनेट की खासियत आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक यूएसबी दी गई है। यूएसबी आपके सामने दिखाई दे रही होगी कि एक 3.0 है और 2.0 दो है, माइक हेडफोन वगैरह के लिए, एलईडी बटन के लिए है और यहाँ पावर के लिए है। और इस तरफ देखेंगे तो यहाँ पर हमें टेम्पर ग्लास यहाँ पर सामने दिखाई दे रहा है और इसके स्क्रू लगे हैं। और पीछे देखेंगे तो यहाँ पर आरजीबी फैन लगा हुआ है। आरजीबी फैन आप जानते हैं कि लाइटिंग के लिए है। और इस तरफ भी आरजीबी ये लाइट लगी हुई है यहाँ पर भी। तो अब हम इसको खोलकर देखते हैं इसमें कनेक्शन क्या क्या हमें मिल रहे हैं। तो इसको खोल लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ से हमने खोल लिया है और इसके ऊपर दोस्तों एक पॉलीथीन का कवर है। तो आप ऐसा मत सोचिए धुंधला सा दिख रहा है, एकदम चमक रहा है। टेम्पर ग्लास बहुत ही अच्छा है, क्वालिटी भी अच्छी है। तो इसको रख देते हैं साइड में। और अब इसके कनेक्शन आप देख रहे होंगे कि ये पीछे केबल डली हुई है, तो पीछे से हमें ओपन करना रहेगा, तब हम केबल के कनेक्शन देख सकते हैं। तो पीछे को ओपन करने के लिए हमें ये दो
इसको और खोलने पड़ेंगे, तो खोल लेते हैं इसको भी। तो इसको भी निकाल देते हैं। तो यहाँ पर आपके सामने दिखाई दे रहा होगा कि इसकी कनेक्शन करने के लिए यहाँ पर केबल दी गई है, जो कि एक बांध के रखी हुई है। तो इसके कुछ स्क्रू पेच वगैरह इसके साथ में दिए गए हैं, तो ये कसने के लिए मदरबोर्ड वगैरह या जो भी सामान इसमें लगाना है तो वो आराम से लगा सकते हैं। अब केबल की बात करें कि केबलिंग क्या है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 3.0 एक पोर्ट दिया गया है, जो कि हमारे USB के लिए है, जे पावर देने के लिए, हमारी RGB के लिए, ऑडियो वीडियो और रीसेट बटन, और बाकी का ये आप जानते हैं USB 2.0। तो इतना सब कुछ इसमें दिया गया है। और अगर हम इसको देखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर कुछ यूजर मैनुअल दिया गया है, तो किस तरीके का ये कैबिनेट है। और इसके साथ ही अगर बात करें तो एक और है यूजर मैनुअल इसी तरीके का। तो इसमें आप कनेक्शन कैसे हो सकते हैं दोस्तों, वो हम देख लेते हैं ज़रा। तो यहाँ पर देख रहे होंगे आप, पावर सप्लाई के लिए है इस साइड में, और ये वाली साइड जो है वो हार्ड डिस्क लगाने के लिए है। आप यहाँ पर हार्ड डिस्क लगा सकते हैं, तो आपके सामने दिख रहा होगा, और पास में लेके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर हार्ड डिस्क लगाने के लिए है दोस्तों, और यहाँ पर पावर सप्लाई है, और कुछ इस तरीके का कैबिनेट है यहाँ पर आप देख रहे हैं। अब हम SSD की बात करें तो इस तरफ से दिख रहे होंगे आप, तो SSD यहाँ पर दो SSD लगा सकते हैं, एक यहाँ पर एक नीचे, और मदरबोर्ड यहाँ पर लग जाएगा, और फैन वगैरह लगा सकते हैं आप इसमें, इस तरफ भी लग जाएंगे दो फैन, और नीचे लगाना चाहते हैं तो वो भी लग जाएंगे। और यहाँ पर पीछे अगर हम बात करें तो यहाँ पर कुछ फिल्टर दिया गया है, मैग्नेटिक है, तो ये चिपक जाता है, तो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है, और सबसे सस्ता कम बजट में ये कैबिनेट बहुत अच्छा है। दोस्तों वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं मुझे, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, और जो लोग नए जुड़ रहे हैं सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दें, बेल आइकन दबा दें, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो जल्द से जल्द मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।